हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स। तो हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट पढ़ रहे थे, कैसे दिन और रात होता है। हमने रोटेशन पढ़ा था, रिवॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे। लर्निंग फैक्ट में लिखा है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज ऑन 4th January। जो मिनिमम डिस्टेंस होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, वो 4 January को होता है। और वो कितना होता है, 147.5 मिलियन किलोमीटर। एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस, जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है, वो 4th July को होता है, जो कितना होता है, 156.6 मिलियन किलोमीटर। तो याद रखेंगे, सबसे कम दूरी 4 January और सबसे ज़्यादा दूरी 4 July। अब रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सीजन पढ़ते हैं। वी नो दैट रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ आर वेरी इसेंशियल फॉर कॉजिंग डे एंड नाइट एंड ऑक्यूरेंस ऑफ वेरियस सीजन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन है, वो पृथ्वी में दिन और रात और मौसम बदलने के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेट अस फाइंड आउट फिनोमिनन ऑफ वेरिंग लेंथ of day and night and the occurrence of different season on the earth। अब हम लोग पढ़ें कैसे कभी दिन का लंबाई ज़्यादा हो जाता है, रात का लंबाई कम होता है। ठंडे के दिन में देखते हैं कि रात का लंबाई ज़्यादा हो जाता है, दिन छोटा होता है, और कैसे सीजन बदलते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। है वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। पहले देखते हैं दिन और रात कैसे होता है, कैसे लंबा और छोटा होता है। रिवोल्यूशन एंड इंसाइलेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस कॉज अनइक्वल डे एंड नाइट। जो रिवोल्यूशन होता है, उसी के कारण पृथ्वी पर दिन और रात अनइक्वल होते हैं। ड्यू टू द इंक्लाइन टूवर्ड द सन फॉर हाफ ऑफ द ईयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द अदर हाफ। ये जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमी हुई है, उसकी वजह से जो क्या होता है, सूर्य की तरफ आधा साउथर्न हेमिस्फीयर होता है और आधा साल नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है। वेन नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवार्ड द सन एंड साउथ पोल इज टर्न अवे फ्रॉम द सन, अ लार्जर पार्ट ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट। और जब क्या होता है, जब नॉर्थ पोल होता है वो सन की ओर होता है और साउथ पोल इज टर्न अवे, और साउथ पोल जो होता है वो दूर चला जाता है सूर्य से, तो लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर के ज़्यादा भाग को सनलाइट प्राप्त होता है। दिस रिजल्ट इज लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट। इससे क्या होता है, दिन जो होते हैं वो लंबे हो जाते हैं और रात जो होती है वो छोटी हो जाती है। इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में, इट इज द रिवर्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग दिस टाइम। और इसके उलट होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में, मतलब वहाँ रात लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। यह हम देख सकते हैं, पृथ्वी का कभी नॉर्थर्न हिस्सा उसके सामने होता है, कभी साउथर्न हिस्सा। ठीक है, वेरिएशन इन डे एंड नाइट द अर्थ रिवोल्यूशन। वेन द साउथ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन एंड द नॉर्थ पोल इज टर्न अवे फ्रॉम द सन, अ लार्ज पार्ट ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट। दिस रिजल्ट इन लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। इट इज द रिवर्स इन द नॉर्थर्न ड्यूरिंग दिस टाइम। वही बात हो रहा है, जब साउथ पोल सन की तरफ होता है और नॉर्थ पोल उससे दूर होता है, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा सनलाइट प्राप्त होता है, इसलिए वहाँ पर दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है, और इसके उलट होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। थ्रू आउट द ईयर द लेंथ ऑफ द डे आर इक्वल एट द इक्वेटर, इट इज 12 hours। और इक्वेटर पे हमेशा दिन और रात बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं द चेंज ऑफ सीजन, मौसम कैसे बदलते हैं पृथ्वी पे। बोला, द अबोव डायग्राम शो द पाथ ऑफ द अर्थ रिवोल्यूशन एंड द 4 positions ऑफ द अर्थ ऑन पार्टिकुलर डेट। रिवोल्यूशन एंड द 4 positions ऑफ द अर्थ ऑन पार्टिकुलर डेट, द पोजिशन इंडिकेट द 4 seasons ऑफ देयर चेंज वन आफ्टर द अदर टू फॉर्म अ साइकिल ऑफ सीजन। यानी एक के बाद एक मौसम बदलते रहते हैं और एक साइकिल बनता है सीजन का, जो बार बार चक्र चलते रहता है। पर गर्मी होता है, फिर बरसात होता है, फिर ठंड आता है, फिर बसंत आता है, ये चलते रहता है। द चेंज ऑफ सीजन टेक प्लेस ड्यू टू, अब क्यों चेंज होता है, तो फर्स्ट पॉइंट लिख रहा है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो रोटेशन करता है पृथ्वी अपने एक्सिस पे, उसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं। सेकेंड है, द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो रिवोल्यूशन करता है अर्थ सूर्य के चारों ओर, उसके कारण भी होता है। और थर्ड, द इंसाइक्लेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है, मान लो वो आपको 23 mix 1/2 degree झुका हुआ है पृथ्वी, तो उसकी वजह से भी जो सीजन है उसमें बदलाव आते हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक ले, थैंक यू।